हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आज आपको वेस्ट मटेरियल से बहुत ही बेहतरीन स्टूल बनाना सिखाऊंगी। अभी लॉकडाउन चल रहा है और हम ना ही मार्केट जा पा रहे हैं, ना कुछ लेके आ पा रहे हैं, और हमारा टाइम भी स्पेंड नहीं हो पा रहा है। तो क्यों ना इस टाइम का यूज़ करते हुए हम कुछ नया घर पर ही बनाए वेस्ट मटेरियल से। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मैंने ये स्टूल बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए। मैंने एक ऑयल का टीन लिया है, इसको मैंने क्लीन कर लिया है। ये मैंने फेविकॉल ली है, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। सीजर है और ये हमारे पास प्लास्टिक की कर्टन थी जो वेस्ट हो चुकी है। इसमें से हम ऊपर का भाग जो अच्छा अच्छा है उसको हम कट करके निकालेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इसको निकालना है। एक्स्ट्रा कट किया हुआ है। अब ये क्या है, ये पूरा कवर नहीं हो पा रहा था तो मैंने इसके लिए एक पार्ट और कट कर लिया है। तो इसको इस तरह से हम फेविकॉल लगा के इसकी सहायता से इसको मर्ज कर देंगे और ये जो एक्स्ट्रा लिया है वो नीचे की साइड फोल्ड कर देंगे। और एक पार्ट मैंने ये कट किया हुआ है, ये ऊपर की साइड रखेंगे। आप यदि चाहें तो इस साइड को फ्रंट बना सकते हैं, बट हम बैक को फ्रंट बनाने वाले हैं। तो इस साइज़ का मैंने ये कट किया हुआ। अब हम इसको पेस्ट करते हैं, चलिए हम बताते हैं। देखिए, ये सबसे पहले हम इसको बैक साइड से लगाने वाले हैं। तो हमने ये वाला पार्ट पहले लिया है, इसको हम पेस्ट करेंगे। इसको पेस्ट करने से पहले ये सारे कॉर्नर्स पर हम थोड़ा सा कट मार लेंगे जिससे ये इजीली अच्छे से पेस्ट हो जाए। देखिए, मैंने इस तरह से इसको फेविकॉल लगा लिया है चारों साइड। एक और ये चारों साइड थोड़ा थोड़ा सा पार्ट चारों साइड भी लगाया है। अब हम इसको इस तरह से हम इसको रखेंगे। ये जो हमने कॉर्नर्स कट किए हुए थे उसको हम इस तरह से रख लेंगे और इसको इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। करो, देखिए इस टाइप से हमने इसको पेस्ट कर लिया। ये जो कॉर्नर्स हमने कट किए थे ना, तो ये मैं आपको बता रही हूँ, इस पर भी थोड़ी सी फेविकॉल लगा के फिर इसको इस टाइप से अप डाउन करके पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये पूरा कवर हो गया। अब हम इसको चारों साइड से कवर कर लेंगे। देखिए, मैंने ये तीनों साइड चिपका दिया, ये लास्ट साइड बचा है। तो हम आपको बताते हैं कैसे चिपकाना है इसको। इस तरह से हमने ये फेविकॉल पूरा कवर कर लिया है। पेस्ट कर देंगे फेविकॉल को अच्छी तरह से। देखिए, ये कॉल लग चुका है। अब हम इसको इस साइड से भी इसको कवर कर रहे हैं, इस तरह से इसको है। ये हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चले थे तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो ये अपन में हम इसको पेस्ट कर देते हैं इस तरह से। इधर इसके ऊपर थोड़ा सा फेवी कॉल और लगाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। इस तरह से ये पेस्ट हो चुका है। देखिए, इस तरह से इसको कवर कर दिया है। ये हमारा बैक साइड रहने वाला है तो इतना इश्यू नहीं है। आप इसमें एक चाहें तो एक साइज़ इस साइज़ का और कट करके पीस लगा सकते हैं, बट मैं नहीं लगाने वाली हूँ क्योंकि मैं इस साइज इसको इस तरह से पेस्ट करूँगी और इस पर मैं छोटा सा एक पिलो भी रखूँगी बैठने के लिए। अभी मैं आप इसको डेकोरेट करने के लिए बताती हूँ। देखिए, ये हमारे पास पुरानी लेस पड़ी हुई थी तो वेस्ट, तो अब मैं इसको लेस को इसके नीचे साइड पेस्ट करने वाली हूँ क्योंकि ये जब नीचे इस तरह से रखेगा ना तो बहुत ही प्यारा यूनिक सा लगेगा। मैं अभी आपको एक वीडियो और बना के भेजूँगी इसके ऊपर जो हम बैठने के लिए गद्दी बनाने वाले हैं उसकी वीडियो। ये हम नीचे पूरे में पेस्ट करेंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो चुका है।
और इस तरह से अब आपको अपने गार्डन में भी रख सकते हैं और बैठ सकते हैं इस पर, एंजॉय कर सकते हैं अपने गार्डन में। इस तरह से इसको इजीली कहीं भी ले जा सकते हैं और रख भी सकते हैं, और इसका कुछ भी बिगड़ेगा भी नहीं। तो यदि आपको हमारी ये क्राफ्ट पसंद आया होगा या वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।